थैंक यू मुझे मुझे समझने के लिए और इस दोस्ती के लिए. ए, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू. और हाँ, अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो जाके अपने पति से कहना, क्योंकि ये दोस्ती तो उसी की देन है ना. और तुम्हारा पति पता है मुझे क्या कहता है? बिन्नू मक्खी. एक बार अगर मैंने करना शुरू किया ना तो फिर तुम्हारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ मत छोड़ना. ओके. मेरे बगैर क्या जोक हो रहा? अरे आपके बगैर तो सारे जोक्स ही अधूरे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जोकर तो तू है. चला और अपनी पत्नी को संभाल. आई एम गोइंग. एक्चुअली बात जो बात कहने में हिचकिचाहट हो, मतलब उस बात में कुछ डर है. और तुमने वादा किया था कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं आएगा, डर भी नहीं. हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा, सिर्फ तुम और मैं. माया, जो मुझे कहना है वो मैं बिना किसी शक के, बिना किसी गुस्से के सुनूंगी. हर बात से पहले तुम्हारी बात सुनूंगी. अर्जुन, जो भी तुम्हारे दिल में है प्लीज बोल दो. मुझे मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगेगा. प्लीज बोल दो. Listen. ऐसी क्या बात है जो हमारे बीच दूरी पैदा कर रही है? जानवी, तुम्हारे हर बंद दरवाजे को मुझे खोलना आता है. भूल गई? मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है जानवी. क्या हुआ है अर्जुन? मिस्टर शर्मा, घबराओ मत. मिस्टर शर्मा ऐसी कोई बात नहीं करेंगे. इसे मिस्टर शर्मा को उनसे दूर जाना पड़े. दुनिया में कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात है ही नहीं. अर्जुन, प्यार का वादा खुशी दम आया और मुझे लगता है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा. जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हें कोई खुशी मिल ही नहीं रही है. बस यही सोच रहा हूं. बस कभी कभी डर लगता है कि तुम्हारी प्यार की हद मेरी नाकामी ना बन जाए. यही खड़े रहो और ध्यान से मेरी बात सुनो. एक सेकंड. कहां जा रही? चुपचाप मेरी बात सुनो. तुम नाकाम नहीं हो. मैं नाखुश नहीं हूं. मेरे प्यार की हद बेहद थी
और हमेशा रहेगी। जिन आंखों ने मुझे प्यार से देखा है वो नाकाम नहीं हो सकती। सांसों ने मेरी हर धड़कन का साथ दिया है वो नाकाम नहीं हो सकते। जिन होठों ने मुझे प्यार के वादे दिए हैं वो नाकाम नहीं हो सकते। मिस्टर शर्मा, फिर कभी ऐसी बात मत करना। अश्विन मेहरोत्रा की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी, मर्डर था। अश्विन मेहरोत्रा की डेथ के टाइम पे आप रूम के अंदर थे और भाभी ने अपने आप को रूम के अंदर बंद किया हुआ था। और जानवी आंटी, माया उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। सॉरी अश्विन, समझ नहीं आ रहा तुमसे बात कैसे करूं, कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए। क्या कर रहे हो? यहां बैठा है या? अर्जुन स्टॉप इट, अर्जुन अर्जुन छोड़ो, आई डू इट फॉर यू, मैं कर लूंगी। अर्जुन यहां नहीं दिख रहा है, स्टॉप इट। अरे भैया और भाभी जी, आपके पास खुद का कमरा है जो पहले मेरा भी हुआ करता था, तो क्यों रोमांटिक पिक्चर दिखा रहे हो जनता को? जनता Thank you.
सारा दिन टांगे लंबे करके बैठा रहता है। कभी कुछ काम भी कर लिया कर। मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हैं, ड्रायर ऑन कर देना और कपड़े सुखा भी देना। मैं मार्केट से कुछ काम निपटा कर आती हूँ। कमाल है यार, एक तरफ भाभी है जो मॉम के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है और एक तरफ मॉम है जो वॉशिंग मशीन में जगह नहीं दे रही भाभी को। सो क्या यार, हक दिया नहीं जाता, लिया जाता है। शायद मेरे ही एफर्ट्स में कुछ कमी रह गई। इट्स ओके अर्जुन, इट्स ओके। माया, भगवान ने मुंह दिया है मतलब तू कुछ भी बोलेगा। आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दे। मैं सॉरी बोल के आता हूँ, इतना सॉरी बोल के आता हूँ, कुछ सॉरी नहीं बोलेगा तू। इसको खुश करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ भाभी है जो मॉम के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है और एक तरफ मॉम है जो वॉशिंग मशीन में जगह नहीं दे रही भाभी को। ये क्या कर रहे हो तुम? वो कहते हैं ना, जमाना तो है नौकर बीवी का। मेरी माँ की वॉशिंग मशीन में तुम्हारे कपड़ों के लिए जगह नहीं है, लेकिन मेरे हाथों में तुम्हारे कपड़े धोने के लिए बहुत जगह है, इसलिए तुम्हारी साड़ी धो रहा हूँ। हटो, मैं करती हूँ। माया मेरे उतना कपड़े धोएगी? वैसे एक बात सही है, कोई साथ मिले ना मिले कपड़े धोने का साथ मिल ही जाता है। कपड़े धो रहे हो या फाड़ रहे हो? कपड़े धो रहा हूँ, मूवीज में ऐसे धोते हैं। ये कोई मूवी नहीं है। यार लेकर आओ, मैं करती हूँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कपड़े कैसे। जिस काम में आधा घंटा लगना था उस काम में 3 घंटे लग गए। 3 घंटे क्या, फटाफट कट गए ना, पता भी नहीं चला। बहुत मजा आया, फिर धोए? तुम पागल हो, खाना भी नहीं खाया अभी तक। चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर खाना खाते हैं, मुझे माँ को भी मिलने जाना है। पता नहीं पुलिस स्टेशन के बाद माँ की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे, अजीब सा बिहेव कर रही है। और वो इंस्पेक्टर पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ गया। अश्विन की माँ को मर्डर कह रहा है। क्या हुआ? मुझे पता है अश्विन का खून किसने किया। क्या? किसने? जानवी आंटी ने। क्या कह रहे हो तुम अर्जुन? तुम उस दिन शादी की रात तुम अपने कमरे में थी, मैं अपने कमरे में था, जानवी आंटी कहाँ थी? अर्जुन तुम क्या कह रहे हो? माँ किसी का खून नहीं कर सकती। I don't know, but माया come on, कल जब पुलिस वाले उनसे पूछ रहे थे उनकी हालत देखी थी, वो बहुत घबराई हुई थी। अर्जुन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, that's why. I'm sorry माया, but I know उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? उन्हें नींद नहीं आ रही, उन्हें एंजाइटी अटैक्स पड़ रहे हैं। किस लिए? अगर उन्होंने खून नहीं किया तो वो अश्विन की फोटो देख के सॉरी क्यों बोल रही? अर्जुन माँ अश्विन से बहुत प्यार करती थी। आई नो, बट कभी कभी प्यार हमसे वो करवा देता है
जो हमें नहीं करना चाहिए। जब प्यार पे कंट्रोल नहीं होता ना, इंसान अपने आप पे कंट्रोल खो देता, और यही हुआ है। नहीं माँ, माँ अर्जुन, माँ किसी का खून नहीं कर सकती। तुम्हारा फोन। हेलो, क्या हुआ? माँ को अरेस्ट कर लिया गया है अश्विन के खून के इल्जाम में। माया, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ये लोग मुझे फिर वापस ले आए हैं। माया माँ रिलैक्स, हम जल्दी यहाँ से चली जाएंगे। मुझे घर जाना है। हम घर जाएंगे। माया जी, झूठे वादे नहीं किया करते। और अपनी पोजीशन का फायदा उठाना, इससे भी गलत बात होती है। वकील मैडम, इसे फायदा उठाना नहीं कहते, पर हाँ, आप कैसे समझेंगे, क्योंकि फायदा कैसे उठाते हैं ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कंपनी की लीगल हेड। इंस्पेक्टर, यू क्रॉसिंग द लिमिट्स, ओके? दूल्हे राजा, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। आपने आंटी को किस बात के लिए अरेस्ट किया है? साटम जी, सर जी, तुमने आंटी जी को अरेस्ट क्यों किया? मैंने साहब जी, मैंने कहा वो तो आप ही ने तो किया था कि आंटी जी को लेकर आओ, उनसे पूछताछ करनी। अरेस्ट करना तो अभी बाकी है। वो क्या है ना वकील मैडम, अकेले अरेस्ट करने में वो मजा नहीं जो पूरी दुनिया के सामने अरेस्ट करने। आपके पास अरेस्ट वारंट है? बहुत जल्दी है दूल्हे राजा, अपनी सासू माँ को जेल भेजने। जब लास्ट टाइम आपने हमें बुलाया था तो आपके पास कोई भी सबूत नहीं था। इस बार भी आपने हमें टाइम वेस्ट करवाने के लिए बुलाया है, या कोई नया सबूत है आपके पास? सबूत नए नहीं होते वकील मैडम, वो तो पुराने ही होते हैं, छुपे हुए। बस उनको ढूंढने का तरीका नया होता है। हमने भी नए तरीके से कुछ पुराने सबूत ढूंढ लिए। जानवी जी, आपकी गन कहाँ है? मैं ही बता देता, आप शादी के दिन अश्विन मेहरोत्रा से मिलने गई उनके घर, कहीं वहीं तो नहीं छोड़ाई? ये भूलने की आदत भी बड़ी कमाल की है माया जी, किसी को नुकसान पहुंचा देती है और किसी को फायदा। वकील मैडम, आप सबूत मांग रही थी ना, ये रही वो गन। मर्डर सीन में मिला हुआ जानवी जी का ये रिवॉल्वर, जिस पर उनकी उंगलियों के सुंदर सुंदर निशान है, फिंगरप्रिंट्स। इंस्पेक्टर,
भूलने की बीमारी शायद आपको है, क्योंकि जब आपने हमें पिछली बार बुलाया था तब कहा था कि अश्विन का मर्डर एक एम्प्टी सिरिंज से हुआ, तो फिर ये गन के मिलने से क्या फर्क पड़ता है? इंस्पेक्टर, शेर को घर का सहारा मिल जाए तो उसके मुंह में हाथ डालने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। हाथ खो बैठोगे। सही कह रही हैं आप माया जी, मैंने आपके सर पे गन क्या रखी है, आपने एक पुलिस वाले के हाथ से गन लेके फेंक दी। बिल्कुल ऐसा ही आपके फादर ने भी किया होगा। जानवी जी ने अश्विन पर गन पॉइंट की होगी और अपने बचाव में अश्विन जी ने रिएक्ट किया होगा, जैसे अभी आपने अपने बचाव के लिए किया। और फिर जानवी जी ने एम्प्टी इंजेक्शन से अश्विन पे अटैक किया होगा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो माया जी, अश्विन का खूनी तो हमारे सामने ही है, मिसेज जानवी मेहरोत्रा। अब इन्हें कौन बचाएगा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.